الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज का मौजू है सुखन मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल सिलाब फ्लड की जो तबाहकारियां हैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूं और साथ ही साथ इस अंदोहनाक और इंतहाई हंगामी सूरत हाल में सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए स्पेशली के पास डेंगू फीवर फैल रहा है कराची काफी सूबों में आ गया है। मैं पिछली वीडियो में कुछ चीजें इन पे बता चुका हूँ। उसके बाद फिर आपके पास अदर मलेरिया भी है अदर वाटरबॉर्न डिजीजेस भी हैं उसके बाद टाइफाइड है कॉलरा डायरिया मुख्तलिफ चीज़ें मौसम भी चूँकि सैलाब के साथ साथ खूब बरसात हुई है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को देख रहा होता हूँ पिछले मतलब दो हफ्तों में कई सौ लोगों की रिपोर्ट्स चीज़ें देख रहा हूँ तो अक्सर लोगों का गला ख़राब पेट ख़राब GIT के इशू कॉन्स्टिपेशन मोशन गला ख़राब सिकनेस फीवर और हाई ग्रेड फीवर ये सूरत हाल चल रही है। मैंने जब इस किस्म की कैफियत आती हैं तो इसमें जिन लोगों की सेहत उनकी कुव्वत मुदाफियत जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं इम्यूनिटी कहते हैं जो अच्छी जिनकी अच्छी होती है वो महफूज हो जाते हैं। उन पर हल्का फुल्का हमला होता है डेंगू का हो चाहे वो कोरोना वायरस का हो चाहे वो किसी भी तरह का बैक्टीरिया फंगल वायरस उस पर अटैक करता है तो उसका अपना जो इम्यून सिस्टम होता है इंसान के अंदर क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बड़ा आसन लकद खलकना लिंसान फी अहसनि तक़वीम इंसान को बड़ा आसन तख्लीक किया है इसके अंदर कुदरती सिस्टम मौजूद है तमाम किस्म की बैक्टीरिया फंगस वायरस से लड़ने के लिए। मगर ये कि जब इंसान का मुदाफियती निज़ाम कुव्वत मुदाफियत जब वो कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर वो बीमारियों के साथ लड़ नहीं सकता छोटे छोटे वायरस भी उसको हिलाकत की तरफ ले जाते हैं। तो हंगामी सूरत हाल में स्पेशली अगर आप KPK के सूरत हाल को देखें या बलूचिस्तान को देखें या अंदरून सिंध को देखें तो गांव देहात जो हैं उनके तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल हैं मगर फिर भी आवाम को मतलब वहां से निकाल लिया गया फाइनेंशियल लॉस तो हुआ मगर सेहत में भी बहुत बुरे असरात वहां पे आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इंसान अगर अपनी इम्यूनिटी को अपनी कुव्वत मुदाफियत को मरहूज कर ले तो वो बड़ी बीमारियों से और उसकी पेचीदगियों से बच सकता है। तो कुव्वत मुदाफियत को महफूज करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए गार्लिक लहसुन कॉमन सी चीज़ है घर के अंदर लोगों को जहां वैसे भी चूंकि हालात टाइट हैं ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं रही हैं मगर लहसुन तो कॉमन है पुदीना धनिया ये अवेलेबल है कोरिएंडर फ्रेश धनिया जो है धनिया पुदीना लें और लहसुन इसकी चटनी खाने में दोपहर में सुबह यूज करें और अगर साथ थोड़ा अनारदाना भी मिला लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़ है गार्लिक लहसुन में तमाम किस्म बेहतरीन एंटीबायोटिक है। दूसरा घरों में खालिस हल्दी का इस्तेमाल करें ऐसे ही चाय जो है कहवा उसमें अदरक डालना शुरू करें अदरक का इस्तेमाल करें अदरक भी बेहतरीन आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है और एंटीऑक्सीडेंट भी है फ्री रेडिकल्स को भी बॉडी से पास करती है और आपकी यूँ कह लीजिए जिस्म को चाको चौबंद रखती है खासतौर पर फीवर्स और नेचुरली पेन किलर भी है एंटीपायरेक्सिया मतलब हम उसको आसान लफ्जों में कह लूँ बुखारों को भी दूर करती है। तो ऐसे ही अगर कहीं शहद मयसर आता है तो आवाम को इन दिनों में शहद का एक छोटा चमचा सुबह नाश्ते में यूज़ कर लेना चाहिए चाहे वो दूध में डाल लें पानी में डाल के ले लें हल्का नीम गर्म अगर गला ख़राब हो तो हल्के नीम गर्म पानी के अंदर शहद की एक चमची डाल के बल्कि कोशिश करें कि पानी जो है उसमें एक छोटा सा पीस आधी इंच का टुकड़ा फ्रेश अदरक का डाल के उसको बॉयल करके उसकी टी बना लें तो वो जिंजर टी बन जाएगी। तो जिंजर टी उसमें एक इलायची भी डालें अच्छे टेस्ट के लिए जिंजर टी बना के नीचे उतार के उसमें शक्कर डालें या फिर खालिस शहद अवेलेबल हो मयसर आए तो शहद उसमें डालें वो सुबह नाश्ते में और असर के करीब या शाम को भी ले सकते हैं तो उससे भी आप अपने गले कान नाक मुंह की बीमारियां जो हैं उससे महफूज रहते हैं। शहद और बाद लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो वो अगर कावा लेते हैं इस तरह का तो उसमें शहद डाल लें
थोड़ा सा लीमू साथ डाल लें, 3-4-5 ड्रॉप लीमू के, अगर गला खराब नहीं है तो, मगर पके हुए पानी में लीमू कुछ नहीं कहेगा, तो 5-7 ड्रॉप लीमू के डाल के उसको ढाक के थोड़ी देर रख दें, बिल्कुल वो हल्का नीम गर्म जिसे लाइट ल्यूकवार्म कहते हैं उस पर उसको पिए, तो उससे ये है कि वो पेचीदगियाँ पैदा नहीं होंगी, बुखार की सूरत हाल महफूज रहेगी, और ख़ास तौर पर आपका हीमोग्लोबन कम नहीं होगा, ऐसे ही आपकी प्लेटलेट्स भी महफूज रखती है। अदरक और लहसुन जो है इसका इस्तेमाल, ऐसे दही जो है फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ा सा जीरा सफ़ेद या ब्लैक डाल के तो दही दोपहर में खाएं, ऐसे ही सब्जियां सलाद जूस खास तौर पर फ्रेश जूसेस जो हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाएं, तो उससे आप महफूज रह सकते हैं। अब इसी इस्लाम में जो मेन असल चीज़ है सेहत भी और साथ ही साथ दुनियावी सारे मामलात, मतलब इंसान की अपना वजूद और उसकी जितनी चीज़ें जितनी नेमतें अल्लाह ने उसको दे रखी हैं, ये तबाहकारियाँ जो हैं वो समंदरों में हों, ज़मीन में हों, अर्थक्वेक्स हों या फ्लॉट हों या सैलाब हों, ये क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है, कुरान पाक इस पर क्या कहता है, तो अल्लाह इस बात को बड़ा खोल के बयान कर रहे हैं कि ज़हरुल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, समंदरों और खुशियों में जो फसादात आते हैं, ज़हरुल फसाद जो फसादात रूनुमा होते हैं, बिमा कसबत अयदी नास, उर्दू में इस्तेमाल है ये लफ्ज़ कसबत, कसब कसब करना, हाथों के अफाल अपने हाथों से किए हुए काम, तो कुरान पाक ये कह रहा है कि ज़हरुल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, मजमूई कायनात इंसानी जब बगावत की तरफ जाती है, ये उसूल है इस्लाम का, अल्लाह ने कुरान पाक जो कि आलमी किताब है, ये कुरान पाक का एजाज है कि दुनिया में सबसे ज्यादा छपती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है कुरान पाक, ये वो वाहिद किताब है और सबसे ज्यादा लोगों के सीनों में महफूज किताब है, ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुजजा वो कुरान पाक का वजूद है कायनात के अंदर। कुरान पाक हमें ये तालीम देता है कि जब ये लोग अपने आमाल में बिगाड़ पैदा करेंगे, दूसरों के साथ ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, जब ये इंसान, क्योंकि अल्लाह ने कायनात में इंसान को और इस कायनात को इंतहाई अफसल बनाया, कुरान पाक की बेशुमार आयात है, जब इंसान अपने आमाल से बेदरबी का शिकार होता है, फितरत से हटता है, तो इसकी सेहत में भी बिगाड़ होता है और कायनात में भी बिगाड़ आने लगता है, और बड़ी बड़ी ऐसी चीजें न्यूक्लियर और ऐसी ऐसी चीजों की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं, तो असल में मसला क्या है कि इंसान फितरत से हट रहा है। इवन कुरान पाक ने यह भी कहा कि मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, इंसान के ऊपर जुज़वी तौर पर भी जो मुसीबतें आती हैं वो उसके अपने आमाल और अफ़ाल की वजह से आती हैं, और बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह नज़रअंदाज और कसीर चीज़ों को माफ़ कर देते हैं, मगर जो हुकूक इबाद के मामलात होते हैं जब इंसान जुल्म पे जाता है, तो अल्लाह का ये कानून ये कायदा है, जैसा कि हम वो चीज़ें जो लिवर के लिए मुज़र हैं, किडनी के लिए मुज़र हैं, उनका इंटेक ज़्यादा करेंगे, हार्ट के लिए मुज़र हैं, आप कोलेस्ट्रॉल और ख़ासतौर पर रॉ फ्रूट्स जो हैं, ख़ासतौर पर आप जिसमें पिज़्ज़ा मायोनीज़ चिकन चीज़ रोल इनका इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर देंगे, तो आप बड़ी जल्दी आपकी आर्टरीज और वेन्स जो हैं उनकी इलास्टिसिटी, उनकी लचक, उनके अंदर जो नेचुरल मतलब कह लीजिए फ्लेक्सीबिलिटी, वो ख़त्म होना शुरू होगी और क्लॉट्स बनना शुरू होंगे, आप हार्ट अटैक की तरफ चले जाएंगे। जो ही आप बैलेंस डाइट रखेंगे, मतवाजन ग़िज़ा की तरफ जाएंगे, तो आप ठीक रहेंगे। तो असल मसला ये है कि इंसान को तौबा और इस्तग़फ़ार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुरान पाक खोल के इस बात को बयान करता है कि नबी उनको बताइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना ग़फ़ारा युरसिलु अस्समाअ अलैकुम मिद्रारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयज़अल लकुम जन्नातिन वयज़अल लकुम अन्हारा। बस जब ये लोग इस्तग़फ़ार शुरू कर देंगे, अल्लाह न सिर्फ इन्हें माफ़ करेगा बल्कि वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन माल और औलाद में बरकत देगा, नहरों और खेतियों में बरकत देगा, औलाद में भी बरकत देगा, वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन माल औलाद, ठीक हो गया। ऐसे ही 5 फायदे कुरान पाक ने कह दिए हैं कि इनके माल में भी बरकत होगी, औलाद में भी बरकत होगी, आसमान से बारिशें भी आएंगी। अब यही बारिशें तबाही भी फैला रही हैं, असल में इसके पीछे आमाल सारे इंसान के ही मौजूद हैं। तो दुआ है अल्लाह हमें फितरत के तकाजों को और फितरी उसूलों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। तो इस सारी सूरत हाल से बचने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है, आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल लिदा इंदवा बिफातिह किताब, सूरह फातिहा सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ इलाज मुयसर नहीं, अस्पताल भर गए हैं, हंगामी सूरत हाल है,
तो अल्लाह से इस्तगफार करें, इस्तगफार की बाकायदा एक तस्बीह सुबह करें, एक शाम करें। आका ने फरमाया मन लज़िम अल इस्तगफार, जिसने अपने ऊपर इस्तगफार को लाजिम कर लिया, हम मन बगम मन फरजा, अल्लाह से गम और खौफ दोनों से निकाल देता है। ऐसे सूरह फातिहा के बारे में आका ने फरमाया ये सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज है। तो फजर की नमाज के बाद 40 दफा सूरह फातिहा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 दफा, 3 दफा, जितना भी हो सके दुरूद पाक पढ़ें, और रोज इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ी जल्दी आप बीमारियों से निकलना शुरू हो जाएंगे। जिंदगी अल्लाह ने रखी होगी तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कुरान पाक ने यह कहा कि बला तुलकू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हिलाक मत करो, फितरत के करीब तरीन रहें, सादा और नेचुरल गिजाओं पर रहें। और जो मैंने दो तीन चीज़ें बताई हैं, आप हल्दी का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल रखें, शहद का इस्तेमाल करें, तो आप इस हंगामी सूरत हाल से महफूज रहेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।